हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बनाने जा रही हूँ सेवई। तो सेवई बनाने के लिए हमने ये पैकेट लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा देसी घी में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने गैस को कर लिया है ऑन और इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। और एक साइड हमने आधा लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया था। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, हम गैस को अब ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम 1 से 2 मिनट ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। किशमिश को नहीं भूनेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ बादाम और काजू को ही भूनेंगे। आपके पास जो भी हो, पिस्ता हो, नारियल हो, जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही हमें इसे भूनना है। ज़्यादा लाल या गोल्डन ब्राउन पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा भुना चुका है फ्रेंड्स हमारा बादाम और काजू। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से इसको हम गैस को ऑन करेंगे और थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे और सेवई को भी इसमें भून लेंगे। सेवई भूनने से फ्रेंड्स बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है। तो हमने प्लेट में एक सेवई, देखिए ऐसे प्लेट में ले लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेवई भुना गया है गोल्डन ब्राउन, कितना अच्छा कलर हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सेवई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम एक पैन में पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें हम सेवई डालेंगे। अब इसे हम 2 मिनट और चला के इसे गाढ़ा करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे फ्रेंड्स, देखिए ऐसे फ्लेवर के लिए। साइड में दूध उबालने से एक फ़ायदा है फ्रेंड्स, जल्दी हो जाता है हमारा सेवई। एक साइड हम दूध उबालेंगे और एक साइड हम ड्राई फ्रूट्स भुनेंगे, सेवई भुनेंगे, तब तक हमारा दोनों साथ ही हो जाएगा, टाइम नहीं लगता है। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, अपना टाइम बचाती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे, इसीलिए। फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं करती हूँ, साइड में एक साइड दूध उबालती हूँ और एक साइड ऐसे ही भूनना रहता है, तो सेवई या ड्राई फ्रूट्स भून लेती हूँ और इसमें पलट लेती हूँ, पलट के इसमें सेवई डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेवई का कलर कितना अच्छा दिख रहा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने महीन वाली सेवई ली है, आपके पास जो भी हो, मोटा वाली, इससे भी महीन और छोटा छोटा, इसको थोड़ा तोड़ ली हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहता है ना तो लच्छेदार चलाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए ऐसे मैं तोड़ ली हूँ। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। ये पतली वाली सेवई है फ्रेंड्स, ये जल्दी ही पक जाती है। और आधे दूध तो हमने थोड़ा सा उसमें पतीला में ही गर्म करके गाढ़ी कर ली थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैन में। मैं समय बचा के ही इसमें पैन में बना रही हूँ कि जल्दी बन जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेवई
अच्छे से पक गई। इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सेवई ठंडा होने के बाद ही फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और ठंडे होने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पलट, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा अच्छा लग रहा है हमारा सेवई। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका थिकनेस भी देखिए, मुझे गाढ़ी सेवई पसंद पड़ती है और सिर्फ दूध वाली तो मैंने देखी ऐसे बनाया है।